तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12 सैंपल पेपर का प्लस टू इकोनॉमिक्स 2018-19। तो अब हम उसी का क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा से करने वाले नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ और में ऑप्शन है उसका ये। तो ये बोलते हैं डिफाइन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, डिस्कस ब्रीफली द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखो कंडीशन तो मैं बताऊंगा आपको, बट आप अपने आप को सोचो, आप अगर प्रोड्यूसर होते तो आप इक्विलिब्रियम में कब होते? आप खाना खाते हैं, खाना खाने से सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप इक्विलिब्रियम में। आप प्रोड्यूसर छोड़ो, आप सोचो कि आप कंज्यूमर है, कंज्यूमर है आप, सोचने की जरूरत नहीं है, मैं भी हूं आप भी है। तो आप कब सेटिस्फेक्शन में होते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अलग चैप्टर है, जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। किससे? जब आप कंज्यूम करते हैं कोई कमोडिटी। तो यहां पे प्रोड्यूसर है, वहां पे कंज्यूमर है, कंज्यूमर खाने के बाद सेटिस्फेक्शन में आ रहा है और वो इधर प्रोड्यूस करने के बाद सेटिस्फेक्शन में आएगा। अब किस तरह से आएगा? जब खाने से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कंज्यूम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो क्या हो गया, आप आपस में उस पे इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो दूसरा क्या है कि आपका जब प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर जब क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और उसको शांति मिलेगी, शांति समझ रहे, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जब उसको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको कब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट? ठीक है, अब जिस स्टेज पे उसको, जितने आउटपुट पे उसको प्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप भी जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको किसी चीज को कंज्यूम करके मिलती है तो आप सेटिस्फेक्शन में आते हैं। जब वो मैक्सिम प्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट में आएगा तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है जब प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो वो किसमें होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। और आगे क्या बोलता है, कंडीशंस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए आप, जब क्या होगा उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, किसको, प्रोड्यूसर को, तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम कंडीशन करने वाले हैं, इसकी दो कंडीशंस है। फर्स्ट है टीआरटीसी अप्रोच, टीआरटीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। इन दोनों से हम ये चेक करेंगे प्रोड्यूसर कितनी आउटपुट पे वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें जो कंडीशन आगे वो है पाई इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी इज मैक्सिमम। पाई का मतलब होता है भाई प्रॉफिट, पाई का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। टी आर माइनस टी सी निकलता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज मैक्सिमम। जब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। कौन सी अप्रोच में, टी आर टी सी अप्रोच। जो कंडीशन बताई है सबसे पहले ये होगी आपकी। तो इसमें एक डायग्राम बनता है, ध्यान से देखना उस डायग्राम को। ये आपके पास इस तरह से कुछ होगा, एक्स एक्सिस वाई यहां पे आ जाएगा, यहां से आप 45 डिग्री के एंगल पे क्या बनाएंगे, टी आर, क्या बनाएंगे, टी आर टोटल रेवेन्यू का। फिर कॉस्ट बनाएंगे आप कुछ इस तरह से, यहां से इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया, और ये क्या आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, क्या आ गई, टोटल कॉस्ट का, ठीक है। और एक चीज क्या बनेगी इसमें, देखो भाई, यहां से आप क्या कर दो, इसको यहां के लिए ज्वाइन कर दो, यहां से भी बिल्कुल यहां के लिए ज्वाइन कर दो। और इसका क्या देखना आपने, यहां से इसका सेंटर देखो आप, कहां जैसे आ रहा है यहां तक, आपने यहां से इसको थोड़ा सा नीचे को लेना है माइनस में, फिर यहां से कर्व बनेगा इस तरह से, यहां पे वो मैक्सिमम होगा, यहां से वो नीचे को जाएगा ऐसे करके। इसको बोलेंगे हम टी पी सी, और फुल फॉर्म टी पी सी की क्या है, टी पी सी की फुल फॉर्म है टोटल प्रॉफिट कर्व, क्या है, टोटल प्रॉफिट कर्व। तो देखो इसमें क्या देखेगा, इसमें क्या क्या शो किया हमने, एक किया हमने इसमें टी आर, एक किया टी सी, और एक किया टी पी सी। तीन चीजें शो की हमने, टी आर टी सी और टी पी सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पे हम क्या शो करेंगे, आउटपुट, क्या शो करेंगे, आउटपुट।
अब एक चीज देखो क्या बोला था, टी आर टी सी अप्रोच में क्या था, पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी इज मैक्सिमम, मतलब जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पे देखो टी आर और टी सी, एक तो यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे क्या है टोटल प्रॉफिट का, देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है जीरो, लॉस भी कितना हो रहा है जीरो, इस पॉइंट पे भी प्रॉफिट जीरो लॉस जीरो, टोटल प्रॉफिट कर्व कहाँ है जीरो पे इंटरसेक्ट, यहाँ भी जीरो पे, तो इसका मतलब है ना तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे दो आपके, ये बनेंगे आपके ये वाले, और ये क्या हुआ आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है, क्या बन गया आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। उसके बाद देखो टीआर और टीसी का, देखो यहाँ पे इनकम इतनी ज्यादा आ रही है, एक्सपेंस इतने कम है, मतलब खर्चा आपका कम हो रहा है, आपकी इनकम ज्यादा आ रही है, तो नेचुरली आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये वाला जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कर्व में अगर देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट पे उसको क्या हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या हुआ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट इस पॉइंट पे हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला यहां पे ए वाला जो आएगा, ए वाला जो आउटपुट है वो क्यू लेवल ऑफ आउटपुट जो होगा उसका, इस कर्व के हिसाब से जो ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो होगा उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट। ओ क्यू लेवल क्या होगा, आउटपुट होगा कौन सा इक्विलिब्रियम, तो ये होगी हमारी फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच थी आपकी टीआरटीसी अप्रोच, जिसमें हमने देखना था कि पाई टी आर माइनस टी सी इज मैक्सिमम, ये मैंने बता दिया आपको, आराम से पॉज करके देख सकते हैं आप। अब करते हैं हम नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट जो है कौन सी अप्रोच है, एम आर एम सी अप्रोच, नेक्स्ट है इसमें एम आर एम सी अप्रोच। तो एम आर एम सी अप्रोच में क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट स्टेज पे वो है एम आर एम सी अप्रोच। एम आर एम सी अप्रोच क्या होती है, इसके आगे फर्दर दो कंडीशंस है इसकी, ठीक है, कितनी है दो कंडीशंस है, जिसमें फर्स्ट है आपके पास एम आर होना चाहिए इक्वल किसके MC के, और MR cuts, MC cuts MR MC cuts MR from below। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी आपकी इस अप्रोच के अंदर, अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो प्रोड्यूसर वहां पे इक्विलिब्रियम में हो गए। तो बहुत सिंपल है, देखो डायग्राम देखो इसका, ये आपके पास कर्व बन गया एक्स वाई, यहां पे वो आ गया, यहां से सीधा आप एम आर कर्व बना दो, ये आपका एम आर कर्व बन गया, और यहाँ पे आपने एमसी कर्व बनाना है। एमसी कर्व कैसे बनेगा, आपने कॉस्ट वाले चैप्टर में अगर पढ़ा हो तो एमसी कर्व यू शेप का होता है, यहाँ पे है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देख देना आपने कि किस तरह से एमसी कर्व, और ये भी देख लेना एमसी कर्व यू शेप क्यों होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या थी, एम आर एम सी अप्रोच, एम आर एम सी अप्रोच में सबसे पहला था एम आर इक्वल टू एम सी, देखो भाई यहाँ पे भी एम आर इक्वल्स टू एम सी है, यहाँ पे भी एम आर इक्वल्स टू एम सी, इसका मतलब दोनों जगह पे वो क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम, नो, क्यों, क्योंकि एम आर एम सी अप्रोच में फर्स्ट कंडीशन क्या है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, ओके दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या होता है, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, जो एम सी है वो एम आर को कट करना चाहिए नीचे से ऊपर को, ना कि ऊपर से, यहाँ पे क्या कर रहा है ऊपर से नीचे को कट कर रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। कंडीशन क्या, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एक तो इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल भी है,